दोस्तों, अगर आप आपके आईफोन को डेली बेसिस पे बहुत फ्रीक्वेंटली चार्ज करते हो, बहुत ज़्यादा चार्जिंग करते हो, तो इससे चार्जिंग साइकिल्स बढ़ती है। अब जितना ज़्यादा चार्जिंग होगा उतनी चार्जिंग साइकिल्स बढ़ेंगी, और जितनी ज़्यादा चार्जिंग साइकिल उतनी ही आपकी आईफोन की बैटरी लाइफ जो है वो हैम्पर करेगी, वो अफेक्ट करेगी। तो इसे आप कैसे बचा सकते हो, आज के इस वीडियो में 5 मेजर बैटरी सेविंग टिप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो कर लेनी है, जिससे आप आपके आईफोन की बैटरी लाइफ सेव कर सकते हो। और ये सेटिंग्स एप्पल खुद भी रेकमेंड करता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करेंगे पहली सेटिंग से। अब देखो, आईफोन के अंदर सबसे ज़्यादा बैटरी अगर कोई कंज्यूम करता होगा तो वो है आईफोन का डिस्प्ले। तो इसे आप कैसे बचा सकते हो, आप इसे सिंपली बचा सकते हो डार्क मोड ऑन करके। अब उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अभी लाइट मोड पे है, तो जो भी बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट ब्लैक में और बाकी चीज़ें व्हाइट में, तो जो भी व्हाइट है वहाँ पे पिक्सल्स ऑन है, तो जितने पिक्सल्स ऑन है उतना बैटरी कंज्यूम होता है। तो सिंपली आप डार्क मोड पे स्विच कर लीजिए, और डार्क मोड पे स्विच करने के बाद आप देख सकते हो बैकग्राउंड कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, और जो व्हाइट है वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे व्हाइट में आ गया है। तो डार्क मोड की मदद से आप बहुत ज़्यादा बैटरी बचा सकते हो। इसके बाद एक और सेटिंग दोस्तों आपको कर लेनी है, उसके लिए आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको मेन सेटिंग पेज पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ही डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको आना है नीचे, और यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको रिड्यूस व्हाइट पॉइंट ये मिलता है, तो वो टॉगल आपको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करोगे ब्राइटनेस जो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और इसका जो कलर का इंटेंसिटी होगा दोस्तों वो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा रखोगे उतना इंटेंसिटी कम होगा, टॉगल को अगर कम रखते हो आप यहाँ पे तो इंटेंसिटी आपको यहाँ पे कलर्स की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगा। तो इस टॉगल को जो है हमेशा थोड़ा सा हायर साइड पे रखना, ताकि कलर्स की इंटेंसिटी कम रह सके और बैटरी कम कंज्यूम हो। तो ये सेटिंग डेफिनेटली कर लेना, इससे आप बहुत ज़्यादा बैटरी बचा सकते हो। अब दोस्तों डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट कोई चीज़ अगर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है तो वो है लोकेशन सर्विस। अब इसे आपको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सेट करना है आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको आना है नीचे, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको जाना है। ऊपर आपको लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लोकेशन सर्विस का टॉगल आपको ऑन रखना है, इसे ऑफ नहीं करना है। ऑफ कर दोगे तो आप आपके आईफोन को ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो लोकेशन सर्विस का टॉगल आपको ऑन रखना है। उसके बाद में नीचे आप अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो हर एक एप्लीकेशन के अंदर जब जाओगे तो वहाँ पे अलाउ लोकेशन एक्सेस का ऑप्शन मिलता है, तो आप नेवर पे रख सकते हो, ऑलवेज पे रख सकते हो, व्हेन यूजिंग द एप्लीकेशन उस पे रख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर लगता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लोकेशन की ज़रूरत नहीं है तो ऐप सिलेक्ट कीजिए और नेवर पे सेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ सिनारियोज़ में, कुछ कुछ सिचुएशंस में लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए उस एप्लीकेशन को, तो आप व्हाइल यूजिंग द ऐप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब आप उस ऐप को यूज़ कर रहे हो तभी लोकेशन सर्विस यूज़ होगा। एक और चीज़ का ध्यान यहाँ पे आपको रखना है कि कुछ सेटिंग्स के अंदर, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर आपको प्रिसाइज लोकेशन का टॉगल भी मिल जाता है। तो इसे भी अगर आपने ऑन रखा है, आपको लगता है कि प्रिसाइज लोकेशन देना है तो ही ऑन रखिए, अगर आपको लगता है नहीं देना है तो उस लोकेशन, उस ऑप्शन को जो है आप ऑफ कर सकते हो, इससे भी आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। अब ये करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक आना है, और जो लोकेशन सर्विसेज वाला पेज है उस पर नीचे आना है, और सबसे एंड में यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विसेज मिलेगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो सर्विसेज है वो मिल जाएंगी, और हर एक के लिए टॉगल ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने किस किस चीज़ के लिए ऑफ रखा है। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करने की, तो यार आप उन टॉगल को जो है यहाँ पे इजीली ऑफ कर सकते हो, इससे भी बैटरी सेव होगी। अब इस पेज पे एक और सेटिंग आपको करनी है, नीचे आना है, सिग्निफिकेंट लोकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिग्निफिकेंट लोकेशन आप जैसे ही ओपन करते हो तो आप कहीं पे भी विजिट करते हो तो हर एक जगह का जो है यहाँ पे ट्रैक होता है, लोकेशन एक्सेस होता है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को ऑफ कर सकते हो। ये यूजुअली ऑन होगा इस तरीके से, तो आप कहीं भी जाते हो तो उस जगह का रिकॉर्ड रहेगा, और वो रिकॉर्ड जो है आपको नीचे यहाँ पे जहाँ पे क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे वो लोकेशन जो है आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ गए थे। तो यहाँ पे ये ऑफ करके आप यहाँ पे भी बैटरी सेव कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करती है, और वो है बैकग्राउंड एक्टिविटी। अगर आप कोई एप्लीकेशन एक टाइम पे यूज़ कर रहे हो तो बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस रनिंग होंगे, वो भी यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो इसे एडजस्ट कैसे करना है, सेट कैसे करना है, उसके लिए वापस एक बार जाएंगे सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है जनरल में, और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब यूजुअली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है यहाँ पे तीन ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं जब आप जाओगे, ऑफ, वाईफाई एंड वाईफाई एंड सेलुलर डेटा। इसे या तो आप वाईफाई पे रखिए या फिर ऑफ पे रखिए। वाईफाई एंड सेलुलर डेटा पे आप अगर आप रखते हो तो सेलुलर डेटा के ऊपर भी ये जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करता रहेगा। तो सेलुलर डेटा ऑलरेडी यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करता है, और
एप्लीकेशंस अगर बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहे हैं तो वो अलग से बैटरी जो है यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। तो या तो आप इसे वाईफाई पे रखिए या फिर ऑफ पे रखिए। अब ऑफ पे रखने का फायदा ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिया है, अलाउ एप्स टू रिफ्रेश देयर कॉन्टेंट वेन ऑन वाईफाई और सेलुलर डेटा इन बैकग्राउंड, टर्निंग ऑफ एप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। तो अगर आप ऑफ रखते हो तो यहाँ पे आप आपकी बैटरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है सेव कर पाओगे। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपने वाईफाई पे इस ऑप्शन को रखा है और आप बैक चले आते हो तो हर एक एप्लीकेशन को जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का परमिशन देना है नहीं देना है वो यहाँ पे टॉगल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आप एप्लीकेशन चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है किसी एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में रिफ्रेश होने की तो उसे आप ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे असिस्टेंट को मुझे नहीं लगता है रिफ्रेश करने की ज़रूरत है तो मैं उसे ऑफ कर दूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप हर एक के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ का सेटिंग जो है वो कर सकते हो। यूजुअली अगर आपको किसी को भी परमिशन नहीं देना है तो बस यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आके ऑफ कर दीजिए और डेफिनेटली यहाँ पे भी बैटरी आप सेव कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो यार लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यहाँ पे मोबाइल सर्विस को लेके। अब बहुत सारे लोग जो है इस सेटिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, एप्पल खुद भी इस सेटिंग को रेकमेंड करता है तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। अब इस सेटिंग में होता ये है कि यूजुअली जब भी हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो एक लोकेशन पे हमें प्रॉपर नेटवर्क मिल रहा होता है तो वहाँ पे कोई बात नहीं है, बट हम दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर नेटवर्क का इशू होगा तो हमारा फ़ोन जो है बैकएंड में नेटवर्क सर्च करने के लिए जो है बहुत ट्राई करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। अब ऐसे सिचुएशन में आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर नेटवर्क प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं है तो यार सिंपली कंट्रोल सेंटर में जाइए और जहाँ पे एयरप्लेन मोड आपको दिख रहा है एयरप्लेन मोड ऑन कर दीजिए। अब हाँ, एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद आपको कॉल्स रिसीव नहीं होंगे, बट अगर नेटवर्क नहीं है उस एरिया में प्रॉपर, वैसे भी कॉल रिसीव नहीं होने वाले, तो कुछ टाइम के लिए जो है आप एयरप्लेन मोड पर डाल सकते हो। उस पर्टिकुलर वक्त के लिए जो है डेफिनेटली आपका फ़ोन जो है नेटवर्क के लिए हंट नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा, तो आपकी बैटरी सेव होगी। इसके अलावा एक और सेटिंग है, अगर आपको नेटवर्क जो है एयरप्लेन मोड जो है ऑन नहीं रखना है तो आप सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाइए और यहाँ पे आप मोबाइल सर्विसेज के अंदर जाइए। मोबाइल सर्विस में आने के बाद मोबाइल डेटा ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वॉइस एंड डेटा ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे दो सेटिंग आप कर सकते हो, या तो आप 5G ऑटो पे रख सकते हो, अगर आपको 5G का ऑप्शन मिल रहा है तो 5G ऑटो आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, या फिर 4G पे आप रख सकते हो। अगर आप 5G ऑन रखते हो तो आप नीचे देख सकते हो 5G ऑन यूजेस 5G व्हेनेवर इट इज़ अवेलेबल इवन व्हेन इट मे रिड्यूस बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस। तो अगर आप 5G ऑन पे रखोगे तो बैटरी परफॉर्मेंस पे और बैटरी लाइफ पे जो है डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, तो इससे अच्छा है आप 5G ऑटो रखिए, ज़रूरत नहीं लगती तो आप 4G पे रख के भी काम चला सकते हो, ये भी बहुत हद तक आपकी बैटरी सेव करेगा। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट सेटिंग है वो भी है यहाँ पे आईफोन डिस्प्ले को लेके। सिंपल सेटिंग है बट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपको करना ये है कि सिंपली आपको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाना है और इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे बॉटम में जाना है और आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस का। उस टॉगल को अगर आपने ऑफ रखा है तो यार सबसे पहले उस टॉगल को ऑन कर लीजिए। अब इससे होगा ये कि अगर आप मैनुअल ब्राइटनेस रखते हो तो कभी कभी हम अगर आउटडोर्स है तो हमें ब्राइटनेस ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा ब्राइटनेस करके रख देते हैं और जब हम इंडोर्स आ जाते हैं हम वापस ब्राइटनेस कम करना भूल जाते हैं, तो बैटरी तो कंज्यूम हो रही है, तो जितना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। और अगर आप इस सेटिंग को ऑटो ब्राइटनेस पर रखते हो, यानी कि ऑटो ब्राइटनेस आप ऑन रखते हो, तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा, तो वहाँ पे आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आउटडोर्स जाते हो तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इंडोर्स आते हो लाइटिंग कंडीशंस प्रॉपर है तो ब्राइटनेस ये कम कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सेटिंग है बट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ऑटो ब्राइटनेस अगर आपने ऑन नहीं किया है तो जल्दी से ऑन कर लीजिए। और वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों कुछ बोनस टिप्स मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। एक चीज़, अगर आप आपके आईफोन के अंदर लो पावर मोड ऑन नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो यार लो पावर मोड जो है ऑन कर सकते हो। तो कंट्रोल सेंटर ओपन करके आपको लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हो और यहाँ पे आप नीचे आते हो मोर कंट्रोल्स में आपको लो पावर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड कर सकते हो कंट्रोल और लो पावर मोड ऑन कर सकते हो। अब लो पावर मोड जब भी आप ऑन करोगे तो बैकग्राउंड में जिस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है उसे वो रोक देता है, जो नेसेसरी कॉल्स आपको आने हैं मैसेज आने हैं वो वैसे ही रहेंगे, बट जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बैकग्राउंड में सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी जिससे आपकी बैटरी सेव होगी। इसके बाद दोस्तों एक और सिंपल सेटिंग आप कर सकते हो, अगर आपने आपका फ़ोन लॉक किया है और नोटिफिकेशंस आपको कभी भी आती है तो डिस्प्ले आपका हर बार ऑन होता है, तो उससे होगा ये कि जितनी बार आपका डिस्प्ले ऑन होगा उतनी बार बैटरी कंज्यूम होगी। तो नोटिफिकेशंस ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आप सिंपली नोटिफिकेशन में जा सकते हो और यहाँ पे आप हर एक एप्लीकेशन के लिए
नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो। तो आपको फॉर एग्जांपल किसी ऐप के लिए नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उस एप्लीकेशन के अंदर जाइए, अलाउ नोटिफिकेशन का टॉगल ऑन होगा तो उसे सिंपली बंद कर दीजिए। तो उस एप्लीकेशन से अगर आपको कोई नोटिफिकेशंस आनी होंगी तो वो नहीं आएंगी। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के लिए आप ऑन रख सकते हो, बट जिन एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरत नहीं है तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। एक और सिंपल सेटिंग आपको बता देता हूँ दोस्तों जाने से पहले, वो है आप कीबोर्ड के हैप्टिक्स जो है वो बंद कर सकते हो। हैप्टिक्स भी यहाँ पे जो है बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो हैप्टिक्स बंद करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन में, उसके बाद साउंड एंड हैप्टिक्स में जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड फीडबैक मिलेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक ऑन होगा तो हैप्टिक आप बंद कर सकते हो, यानी कि जब भी आप टाइप कर रहे हो तो वाइब्रेशन मोटर जो है यहाँ पे यूज़ में आती है जो बैटरी कंज्यूम करेगी। तो हैप्टिक आप बंद करते हो तो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक आपको मिलना बंद हो जाएगा, उससे भी आप थोड़ी बहुत बैटरी जो है बचा सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और आप बहुत हद तक आपके आईफोन की बैटरी लाइफ भी बचा सकते हो और डेली जो आपकी बैटरी कंज्यूम हो रहे हैं उसे भी बचा सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो यार लाइक ज़रूर कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।